शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने कैंप एक स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मीठे शरबत और चने का वितरण आम लोगों ने किया। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भारत देश के तीन महान क्रांतिकारियों भगत सिंह तथा इनके दो अन्य साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये तीनों ही क्रांतिकारियों ने भारत देश को आज़ादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आज हम जिस आशा अक्षिता में सांस ले रहे हैं, इसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई अन्य देशभक्त क्रांतिकारियों का योगदान है और आज ऐसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले युवाओं की बेहद जरूरत भी है, जिससे हम अपने घर के अंदर ही बैठे दुश्मनों से लड़ सकें। शहीद भगत सिंह को स्मरण करते हुए कैंप एक शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भावभीनी यहां पर अर्पित की गई और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया गया कि आज ये आज़ाद भारत कहीं ना कहीं इन तीनों महान विभूतियों का कर्जदार है और आज जरूरत है कि हर युवा इनके आदर्शों को अपनाए और उनके बताए मार्गों पर चलते हुए अपने देश के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरुनाम सिंह कुक्का भी विशेष तौर पर शामिल रहे और उन्होंने भी वीर शहीदों को भावभीनी और अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो बहुत एक बड़ा दिवस है, जो सीधे दिवस हमारे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव आज के दिन शहीद किए गए और हमारे को इस उनके ही में चलना, उनके रास्ते में चलना चाहिए। आगे बच्चों को भी ऐसे ही क्रांतिकारी आज जरूरत है, जो कि आज देश को आगे ले जाने के लिए। यह जैसे कि आप सब जानते हो कि आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और हमारे अन्य शहीदों का जो आज दिन मनाया जा रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि रगों में खून और दौड़ना भी चाहिए, जिस तरह के आज देश के हालात हैं, क्योंकि जो हमारे शहीदों का जो बलिदान है उसको पीछे रखा गया, आज उनके क्रांतिकारी विचारों की हमें ज़रूरत है। जिस तरह से आज देश के हालात हैं, उन हालातों में इन क्रांतिकारियों के विचार जो है आज लोगों के सामने आने चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे भाई साहब हर साल की तरह यहाँ पर आज प्रोग्राम मनाते हैं, शहीद स्मारक में प्रोग्राम मनाते हैं। आज भी यहाँ पर प्रोग्राम मनाया गया है। आज हमारे युवाओं को और हमारी युवा पीढ़ी को आज उनके जो क्रांतिकारी विचार थे उनकी जरूरत है, उनका नेतृत्व करने की जरूरत है और हम सब मिलकर उनके विचारों पर चलें, यही सब हम कामना करते हैं। मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि 2017 में भगत सिंह के और पोत्र जी आए थे रायपुर में, उन्होंने मेरा 2017 को सम्मान किया, सोफा भेंट किया, शील्ड दिया और उसने यही कहा था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2013 में ऑल छत्तीसगढ़ यात्रा किया मैंने, यही उद्देश्य था कि लोग इनके नाम से, इनके काम से, इनके विचार से सहमत हों और जो इनकी सोच है आज वो भगवत मान जी भी इसी सोच पे जाके पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मेरा यही आप सबसे एक अरदास है, पंजाबी में बोल रहा हूँ, कि हर चौक में, हर गली में एक भगत सिंह भी अगर पैदा हो जाएगा तो देश बहुत है। राजनीति बहुत हो गई, अब राजनीति करो। जय हिंद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक समय था जब हमारा देश बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, पर आज स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर ही इतने दुश्मन हैं जिन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। आज के युवाओं को ऐसे महान विभूतियों के इतिहास पर नज़र डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, जिससे एक बार हम फिर अपने आंतरिक दुश्मनों से जीत हासिल कर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।